यहाँ पर मेरे पास आज एक ऐसा पंखा है जो कि पूरी तरह से जाम है। यहाँ पे जब मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे नहीं घूमता है। इस ग्राहक की ये कंप्लेन है कि मेरा जो पंखा है वो जब भी मैं चालू करता तो यहाँ पे टों की आवाज़ आती है, चलता नहीं है। इसका मतलब ये कि ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो इसको सबसे पहले ये जो तीनों बोल्ट है इसको यहाँ पर आपको पिक्सेस की सहायता से खोल देना है, और खोलने के बाद यहाँ पे आपको टेस्टर या पिक्सेस की सहायता से इसके बीच में आपको गैप करके इस ढक्कन को यहाँ पर आपको पिक्सेस या टेस्टर की सहायता से ऊपर की ओर लेके आपको खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसके जो कनेक्शन है उसको भी खोल के यहाँ पे इस डंडे से बाहर निकाल देना है, और इसके बाद आप इस ढक्कन को आराम से निकाल सकते हैं। यदि नीचे का निकल जाता है तो आपको फिर ऊपर का निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जाम है, मतलब नीचे वाला जो बैरिंग है वो पूरी तरह से जाम है। तो यहाँ पे इन बैरिंग को हमें बदलना है, तो बदलने के लिए सबसे पहले नीचे वाला जो ढक्कन है उसको हथौड़ी की सहायता से इस प्रकार से ठोक के निकाल देना है। अब यदि आपने निकाल दिया तो इन बैरिंग को आपको निकालना होता है। बैरिंग को आप किसी भी कूलर की सहायता से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा कूलर आपको मार्केट में मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको इसकी सहायता से बैरिंग को निकाल देना है। अब यहाँ पे मार्केट से मैंने न्यू बैरिंग ला ली है जिसकी साइज लगभग 62-01 और 62-02 है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा लिए। इसी प्रकार से आपको भी हथौड़ी की सहायता से लगाने हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्टेट है इसको भी आपको इसके अंदर सबसे पहले ऊपर वाला जो ढक्कन है इसको यहाँ पर फिट कर लेना है। अब यदि आपने ऊपर वाला ढक्कन फिट किया है और नहीं आता तो आप उसकी सहायता से इसको फिट कर सकते हैं, और जब यहाँ पे ये फिट हो जाता है तो आपको नीचे वाला जो ढक्कन है इसको फिट करना है। फिट करने से पहले आप इसकी शाफ्ट को देख सकते हैं, यदि शाफ्ट लूज है तो यहाँ पे आप इस पर टीचे लगा सकते हैं, और फिर आप स्प्रिंग लगा के आप नीचे वाला जो ढक्कन है इसको भी इस प्रकार से फिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये बोल्ट है इसको यहाँ पे मिला के सही से एक समान फिट कर लेना है, और एक समान फिट करने के बाद आपको नीचे यदि ज़्यादा टाइट लगता है तो हथौड़ी की सहायता से इसको एक समान फिट करके यहाँ पे आप हाथ से घुमा के चेक कर सकते हैं कि आपका जो पंखा है वो सही घूम रहा है या नहीं। यदि सही घूम रहा है तो आप वापस इन कनेक्शन को वापस निकाल के आपने जैसा खोला था वैसा फिट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो पंखा है वो बिल्कुल फ्री और सही घूमेगा। तो इस प्रकार से आप जाम हुए पंखे को सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।